का? कर्मी प्रसाद यादव, लोको पायलट। लोको पायलट है। शराब पिए हुए हैं? शराब पिए हुए हैं। कौन सा है शराब पिए हुए? आपके पास से भी बरामद हुआ है शराब, उसका भी विजुअल है। बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन ना तो इसके तस्करी पर रोक लग रही है और ना पीने वाले बाज आ रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। समस्तीपुर से सहरसा जा रही सवारी गाड़ी 05278 का उपचालक सोमवार की शाम ट्रेन से उतरकर हसनपुर बाजार में जाकर शराब पीने लगा। यहां वो हंगामा भी करने लगा। यह सब होता रहा और ट्रेन रुकी रही। सहायक चालक के कारण करीब 1 घंटा 7 मिनट तक ट्रेन क्रॉसिंग पर रुकी रही। इसके बाद GRP थाना की पुलिस बाजार पहुंचकर हंगामा कर रहे उपचालक को चाय दुकान से शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार कर थाने ले आई। पास में है, शराब पिए हुए हैं आप, ये बताइए कहाँ पर है? आप शराब के नशे में है? नहीं। आज गाड़ी ले ट्रेन लेके आ रहे थे? नहीं नहीं नहीं। क्या नाम हुआ? कर्मी प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ? मुन्ना यादव। घर कहाँ हुआ आपका घर? मुन्ना यादव। लोको पायलट हैं। हंगामा कर रहे युवक की पहचान जितवारपुर निवासी शिव सागर राय के पुत्र कर्मवीर प्रसाद यानी 33 वर्ष उनकी उम्र है उसके रूप में पहचान हुई है। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से सहरसा जा रही सवारी गाड़ी शाम 4:05 पर खुली, 5:41 पर हसनपुर पहुंची, जहां चालक को सूचना दी गई कि राजधानी की क्रॉसिंग होनी है। इसके बाद ट्रेन लेकर चल रहे चालक संतोष कुमार को कर्मवीर ने ट्रेन से उतरते हुए कहा कि टहल कर आते हैं। इस दौरान वह हसनपुर बाजार चला गया। यहां दुर्गा मंदिर के पास चाय दुकान में शराब पीकर हंगामा करने लगा। इधर ट्रेन के उपचालक के हंगामे के कारण सवारी गाड़ी हसनपुर स्टेशन के क्रॉसिंग पर रुकी रही। GRP पकड़कर स्टेशन पर लाई, लेकिन वह ट्रेन चलाने की स्थिति में नहीं था। बाद में उसी ट्रेन में सफर कर रहे सहरसा के लोको पायलट ऋषि राजकुमार से स्टेशन मास्टर मनोज कुमार चौधरी ने आग्रह कर सहरसा जाने का मेमो दिया। इसके बाद ट्रेन शाम के 6:47 पर सहरसा के लिए रवाना हुई। घटना को लेकर DRM आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में बैठक हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। DRM आलोक अग्रवाल ने बताया कि मामला काफी गंभीर है, परिचालन विभाग से जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषी चालक पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में शराबबंदी का यह सबसे बड़ा सच है कि अब ट्रेन के ड्राइवर भी शराब पीने लगे हैं और गाड़ी रोककर जिम्मेदारियों से परे नशे की ऐसी आदत जिसे कौन छुड़ा सकता है। जब शराब इस तरह से लोग पिएंगे कि सवारी से लोडेड ट्रेन को आप रास्ते में रोककर शराब पीने चले जाते हैं। मामला यही नहीं है, ऐसी कई खबरें आई हैं कि कोई ट्रेन रोककर चाय पीने चला गया, तो कोई ट्रेन रोक करके मछली खरीदने तक चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वह नाश्ता करने गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रेन में टाइमिंग की समस्या होती है। जितने भी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उन्हें यह रहता है कि जितनी जल्दी ट्रेन हो सके घर पहुंचा दे। लेकिन जब आप घंटों कहीं सुनसान में या किसी भी जगह स्टेशन पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप इस समस्या से सिर में दर्द पर लेकर बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि अब क्या होगा। तो यही पूरी घटनाक्रम है जिसको अगर देखा जाए तो समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के हसनपुर रोड स्टेशन पर सोमवार को इस ट्रेन में यात्रियों ने भी हंगामा किया। वजह थी कि ट्रेन के सहायक ड्राइवर कर्मवीर यादव का शराब का प्रेम। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही वह गाड़ी से उतरा और कहीं निकल गया। कुछ देर में पता चला कि वह शराब के नशे में धुत है। तो ऐसी है इनकी कहानी।